अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हूर फातिमा और आप देख रहे हैं मुमताज न्यूज। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। सीनियर सहाफी मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस का 2017 से कबल के शहदा के अहले खाना के लिए अपनी छत की फराहमी का मिशन। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की फैसलाबाद रीजन के शहदा के अहले खाना से मुलाकात। आईजी पंजाब ने 10 शहदा के अहले खाना को घरों की तामीर के लिए प्लाट्स की मलकियती कागजात दिए। तर्जुमान पंजाब पुलिस 2017 से कबल के 657 शहदा पुलिस के अहले खाना को प्लाट्स फराहम किए जा चुके हैं। जदीद सहूलियात से आरास्ता बेहतरीन रिहायशी स्कीमों में प्लाट्स फराहम किए गए हैं। प्लाट्स पर घरों की तामीर के लिए मुस्तहिक फैमिलीज को माली मामलती फराहम कर रहे हैं। पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड से अब तक शहदा की फैमिलीज को 3,80,00,000 रुपए घरों की तामीर के लिए फराहम कर चुकी है। तकरीब में शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद इदरीस, सब इंस्पेक्टर ताज मोहम्मद, एएसआई जहांगीर हैदर, कांस्टेबल जुल्फिकार अहमद और हबीब अहमद के अहले खाना को प्लाट्स फराहम किए गए हैं। इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल, कांस्टेबल सफदर हुसैन, लियाकत अली, नूर अहमद और मकसूद अहमद के अहले खाना भी प्लाट्स हासिल करने वालों में शामिल हैं। शहदा की फैमिलीज के लिए प्लाट्स का इंतजाम करने वाली सुपरवाइजरी अफसरान और नेक और मुखेर हजार के ताउन के लिए मशहूर है। प्लाट्स हासिल करने वाले शहदा के अहले खाना ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शुक्रिया अदा किया। एडिशनल आईजी वेलफेयर रियाज नजीर काड़ा, डीआईजी वेलफेयर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन, आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान, सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल, एआईजी वेलफेयर अम्मारा शिराजी की तकरीब में शिरकत। सीपीओ मुल्तान, डीपीओ बहावलपुर और बहावलनगर, आरओसीडी रावलपिंडी समेत मुतालिक अफसरान की बजरिया वीडियो लिंक तकरीब में शिरकत। डीपीआर पंजाब पुलिस।